हे दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। और आज का वीडियो है प्रोडक्टिविटी पे, जो कि आपको अपने जीवन में और वर्क में अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। द मोर यू स्वेट इन पीस, द लेस यू नीड इन वॉर। जितना अधिक आप पसीना बहाते हो, उतना कम आप युद्ध में खून बहाते हो। नॉर्मन स्वार्ज़कॉप। इट्स टाइम टू गेट रियल विद योरसेल्फ। ह्यूमन डिफरेंटली वायर्ड होते हैं। जो दूसरों के लिए वर्क करता है, वो आपके लिए वर्क नहीं करेगा। कुछ लोग बिना किसी डिफिकल्टी के डेली अर्ली मॉर्निंग में उठते हैं, और उनमें इन चीजों को करने के लिए हाई लेवल की एनर्जी होती है। जबकि दूसरी ओर लोगों का एक अलग ही पक्ष होता है, जो लोग मॉर्निंग को फेस करने के लिए स्ट्रगल करते हैं। यू आर नॉट लाइक अ डॉल्फिन, जो कि 15 दिनों तक पूरी नींद के बिना ट्रैवल कर सकती है, बट फिर भी अलर्ट रहती है। और ना ही आप एल्बेट्रॉस बर्ड की तरह हो। वे पानी पर बहुत लंबे समय तक सो नहीं सकते। अगर वो सो गए तो शिकारी उनका शिकार करने का, इसलिए उन्हें उड़ान के दौरान सोना होता है। साइंटिस्ट का यह मानना है कि कुछ नींद पैटर्न पक्षियों को उड़ान में सोने के दौरान नेविगेट करने में हेल्प करती है। इनफैक्ट एनिमल स्टडी से ये पता चला है कि मॉर्निंग और इवनिंग पर्सन बनने के लिए जीन्स को डेवलप किया जा सकता है। यह बताता है कि क्यों हम में से कुछ को अर्ली मॉर्निंग में टास्क करने में डिफिकल्टी होती है या इवनिंग के दौरान बेस्ट परफॉर्मेंस करते हैं। अगर आप मॉर्निंग रूटीन पर काम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो यह वीडियो एंड तक जरूर देखें। आप अकेले नहीं है। जब आप अपने गोल्स को पूरा करना चाहते हो, तो एवरी माइलस्टोन को अचीव करने के लिए कुछ बेबी स्टेप या स्मॉल स्टेप लेना जरूरी है। आपको अपने साथ ऑनेस्ट होना चाहिए और एक्सेप्ट द ट्रूथ दैट समथिंग मे नॉट वर्क फॉर यू। सबसे अच्छी बात यह है कि जब आप सत्य को स्वीकार करते हैं, तो आप स्वयं को अन्य चीजों की मोस्ट और पॉसिबिलिटी के लिए रेडी करते हैं, जो आपके लिए एक्सट्रीमली बेस्ट काम करती है। इवनिंग रूटीन उन लोगों द्वारा दिए गए एग्जाम्पल पर आधारित है, जिन्होंने अपने एरिया में अच्छा परफॉर्म किया है। वे नाइट में एनर्जी के एडवांटेज को पहचानते हैं। हम भी इससे लाभ उठा सकते हैं। एक या दो ऐसे काम चुनिए जिसे आप इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। बदले में अगले दिन आपको इम्प्रूवमेंट दिखेगा। आप अपने मॉर्निंग रूटीन को अचीव कर पाओगे, और ये अगले दिन के लिए ग्रेटर प्रोडक्टिविटी का कारण बन सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में जानते हैं कि कैसे आप अपनी प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। फर्स्ट, अवॉइड रैंडमनेस। हम सभी एक बड़ी मशीन का हिस्सा है, भले ही हम इसके बारे में जानते हो या नहीं। अगर हम इस मशीन से अंत लग नहीं कर सकते हैं, तो अंत में हम माइंडलेस हो जाएंगे। एनन नाइटमैन। आप दिन के दौरान बहुत सारी एक्टिविटी करते हैं, इसीलिए आपका माइंड ओवरलोड हो जाता है, जिसे आपको प्रायोरिटी देनी चाहिए। ब्रैडन बर्चन के मुताबिक, जब आप अपने दिन की सारी एक्टिविटी को पूरा करते हैं, यानी कि सोने से पहले आपको किसी भी तरह की स्क्रीन, सोशल मीडिया या यहाँ तक कि अपने फेवरेट शो को भी इग्नोर करना चाहिए। वह कहते हैं कि जब आप अपने माइंड में बहुत ज्यादा रैंडम थिंग के बारे में एक साथ सोचते हैं, तो ब्रेन बहुत ही ज्यादा मात्रा में डोपामाइन रिलीज करता है, जिससे आपको सोने के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है। नोबल के फाउंडर अरियाना हफिंगटन ने भी कुछ इसी तरह से अपना व्यू दिया है। उन्होंने भी अपने बेडरूम को स्क्रीन फ्री जोन बनाने का फैसला किया। वे अपने इलेक्ट्रॉनिक्स अपने बेडरूम के बाहर ही छोड़ देती है, और ऐसा करके वे एटमॉस्फेयर को सोने के लिए अनुकूल जगह बना देती है। प्रॉपर नींद लेने के लिए और थकावट से अपने आप को आराम देने के लिए यह एक बेटर तरीका है। मैं जानता हूँ कि ये क्वाइट चैलेंजिंग हो सकता है, और आप शायद अभी तक इसके लिए तैयार नहीं है। ठीक है, तो चलिए अदर मैटर पर चलते हैं, जो कि है सेकंड, एलिमिनेट नेगेटिविटी। एलिमिनेट नेगेटिविटी, दूसरों की नेगेटिविटी से अपने उत्साह को सुरक्षित रखें। एच जैक्सन ब्राउन जूनियर। क्या आप अपने माइंड में चल रहे नेगेटिव थॉट्स के कारण डरते हैं? जिस मोमेंट आप सोने जाते हैं, उसी वक्त आपके माइंड में एक रेस स्टार्ट हो जाती है। तरह तरह के थॉट आने लगते हैं, जैसे कि लोन पे करना है, पेपर सबमिट करना है, मीटिंग अटेंड करनी है, और नींद आगे बढ़ती ही जाती है। जब आप स्ट्रेस हो जाते हो, तो सोने में मुश्किलें आती है। ब्रेन कंटिन्यूसली काम कर रहा है और कंफ्यूज हो रहा है कि ये टाइम रेस्ट का है या वर्क का। नेगेटिव इमोशन आपकी इम्यूनिटी को भी कम कर सकती है। ये आपके बॉडी के हर पार्ट को अफेक्ट करती है। इससे सोने के समय आपकी हेल्थ को और अधिक इफेक्ट होगा, जिससे आपकी बॉडी को जितना रेस्ट जरूरी है, उतना रेस्ट नहीं मिल पाएगा। इसलिए एटलीस्ट जब आप रेस्ट करने जा रहे हो, तो नेगेटिविटी को अपने सिस्टम से दूर रखें। ऐसा करने से आपके मूड को चेंज करने में मदद मिलेगी। अपने माइंड को अच्छे विचारों से भरने की कोशिश करें, और उन अनवांटेड थॉट को बाहर करें, जो आपके दिमाग पर हावी होने की कोशिश करते हैं। माइकल हयात, थॉमस नेल्सन पब्लिशर के पूर्व CEO ने हर रात को नेगेटिव इनपुट को एलिमिनेट करने का डिसीजन लिया। वे नेगेटिव न्यूज और कन्वर्सेशन को अवॉइड करके अपने माइंड को नेगेटिविटी से फिल्टर करने की कोशिश करने लगे।
वे एक स्पेसिफाइड टाइम पर सोने जाते हैं, जिसे वे अगले दिन प्रोडक्टिव बनने में मदद करने का दावा करते हैं। डू वन थिंग यू नो, एक हॉबी आपको सैडनेस से दूर रखती है। फिनिश मैगजीनी, जब आप कुछ ऐसा करते हैं जो आपको डिलाइटफुल पेन कराता है तो आपका ब्रेन रिलैक्स पेन करता है। जब आप खुश होते हो तो आपका ब्रेन सिम्युलेट होता है जो आपकी कॉग्निटिव अलर्टनेस और प्रोडक्टिविटी में सुधार करता है। ये आपको एक सेफ जोन में रखता है जिसके कारण आप अपने आप को एंजॉयबल फील करते हैं और बेड टाइम से पहले इसे करने का सबसे अच्छा टाइम है, क्योंकि ये पॉजिटिव एनर्जी को सीन करने में आपकी हेल्प करता है जो नेक्स्ट डे आपके माइंड की कंडीशन के लिए बेस्ट होगा। ओप्रा विनफ्रे और अदर नॉन पीपल प्राउडली कन्फेस करते हैं कि उन्हें सोने से पहले पढ़ना अच्छा लगता है। ओप्रा विनफ्रे इस पद में जो भी उनका पढ़ने का मन होता है उस इंटरेस्ट के बारे में वे पढ़ती है। सोने से कुछ ही मिनट पहले वे उन चीजों को भी लिखती है जिनके लिए वे बेहद आभारी है। मैं पर्सनली बेड टाइम से पहले फिक्शन स्टोरी, साइंस फिक्शन बुक, बिजनेस बुक जैसी बुक्स को पढ़ता हूँ। मैं दिन के दौरान मेरी आवश्यकता के अनुरूप नोट्स भी नोट डाउन करता हूँ। रीडिंग, संगीत सुनना या जो भी आप करना चाहते हो एवरी नाइट, इसे करने का एडवांटेज ले। अपने आप को उन चीजों का आनंद लेने दे जो आपको स्पार्क देता हो। अपने लिए कुछ हेरोइक करो और टाइम को अपना दोस्त बनने दो जिससे आप अपने बिजी लाइफ से बच सके। जस्ट मेक श्योर कि इसमें बहुत अधिक ध्यान की आवश्यकता नहीं है, इसीलिए जब आपकी पंखे भारी हो तो आप इसे आसानी से बंद कर सकते हैं। 4. प्लान आउट द नेक्स्ट डे। प्लानिंग टू प्लान इज प्लानिंग टू फेल, एंड लेकिन क्लियर एक्शन प्लान के बिना नए दिन की शुरुआत करने से ज्यादा कुछ भी फ्रस्ट्रेटिंग नहीं हो सकता है। यह प्रोडक्टिविटी में ज्यादा डिस्ट्रैक्शन और कमी की ओर ले जाता है। इन्वेस्टर माइकल नेमिंस ने सक्सेस के लिए अपने की सीक्रेट्स में से एक यह शेयर किया है कि वे एवरी नाइट सोने से पहले उन चीजों की क्विक लिस्ट बनाते हैं जिसकी दिन वे नेक्स्ट डे करेंगे। दोपहर होने से पहले वे उन्हें अपनी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रायोरिटी के रूप में सेट करते हैं ताकि वे यह शोर कर सके कि वे तुरंत हो जाए। जैक कैनफील्ड जो पर्सनल कोच है सक्सेस के, ऐसा करने के लिए दो इम्पोर्टेंट रीजन बताते हैं। ए, ये आपको क्लियर आइडिया देता है कि नेक्स्ट डे क्या करने का इरादा बनाएं। ये आपको उन सभी चीजों की ओर बढ़ने में भी मदद करेगा जो आपको हर किसी की जरूरत के जवाब देने के बजाय उसको पूरा करने के लिए आवश्यक है। बी, आप ये डिसाइड कर सकते हो कि आप दिन के किस टाइम एक्टिविटीज कर सकते हो। यह आपको क्लियर विजन देगा कि आपको फर्स्ट किस चीज को टेकन करना चाहिए। यदि आप एवरी मॉर्निंग में एनर्जी फील करते हो तो तुरंत उन एक्टिविटीज को करें। नाइट बिफोर प्लानिंग करने से अनकॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड आइडिया एंड सॉल्यूशन एंड इन्फॉर्मेशन को बढ़ाने का काम करेगा और पास्ट मेमोरी को इन सिचुएशन में अप्लाई करेगा। सो दोस्तों, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, बाकी के 6 टॉपिक में अगले वीडियो में कवर करूंगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए। थैंक्स दोस्तों।